नहीं है उनके फूड और वही फिर छत पे योगा करते हैं डेली, और अपना यूट्यूब में इनका बहुत 65,000 इनके ये फॉलोवर्स है, बहुत खास सब्जेक्ट पे ये डालते हैं। आज सेंटेंस के बारे में सीखते हैं, ठीक है? सेंटेंस टेंस हमने सीख लिया, ठीक है? अब हमारी बेसिक क्लास हो चुकी है, अब हम थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, यानी कि इंटरमीडिएट क्लास में चलते हैं, ठीक है? सेंटेंस क्या होता है? वाक्य जिसको बोलते हैं, ये बेसिकली शब्दों से बना होता है ना? शब्द हम लोग जानते हैं, जैसे ऐसे करके हम बोलते रहते हैं, ये सब अलग अलग तरह के शब्दों को ही जोड़ देते हैं एक कॉमन भाव देने के लिए, है ना? तो यहाँ मैं बताऊंगा सेंटेंस का टाइप, आप लोग लिखते भी जाइएगा, मैं फिर बाद में स्लाइड भी बताऊंगा, तत्काल मैं सिर्फ बोल रहा हूँ जल्दीबाजी में। सबसे पहला सेंटेंस जो होते हैं उसे बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, ठीक है? असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, पहला अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोलते हैं और निगेटिव होता है जिससे नकारात्मक भाव आते हैं, जो हम टेंस के दौरान भी यह चीज हम लेते चल रहे हैं, ठीक है? लेते चले हैं अफर्मेटिव निगेटिव, हर टेंस में हमने बताया है, ठीक है? तो ये असर्टिव सेंटेंस के दो रूप हो गए, अफर्मेटिव निगेटिव। यूजुअली हम लोग असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं और उसी के अफर्मेटिव पॉजिटिव में बात करेंगे, और अगर नकारात्मक भाव से बात करेंगे तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी में हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवाल हम करते हैं, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिससे हमें कुछ पूछना होता है। इसके बाद होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिस पर कुछ जोर देना होता है, जैसे हमने बताया था ही डज राइट ए लेटर, वह पत्र लिखता तो है, जोर देके, इसको हम इंपरेटिव बोलते हैं। इसी तरह से ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जहां और कई ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसी तरह से होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जहां विस्मय बोधक होता है। तो ये सब पांच टाइप का सेंटेंस हम आगे चले बताएंगे धीरे धीरे। तो आज से हमारा इंटरमीडिएट क्लास स्टार्ट हो जाता है, बेसिक क्लास हमने समाप्त कर दिया टेंस के साथ। अब थोड़ा सा एडवांस मैं मान के चलूंगा कि आप लोग को इतना चीज आ रहा है, बेसिक से ऊपर का चीज मैं बताऊं। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? हम यहाँ स्पेशल जो टेंस में कवर हो गया ये सब बिल्कुल ही नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर तो हम बोल चक्र बनते ही रह जाएंगे, हम नया टाइप का बनाएंगे, ठीक है? अब देखिए एक सेंटेंस, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। अभी तक हमने टेंस सीखा था कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया, ठीक है? तो इसका टेंस के हिसाब से जो अभी तक हमने सीखा था बेसिक में, शाहजहां ने ताजमहल बनाया, तो ये क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड द ताजमहल, ठीक है? लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनाया, वो बनवाया था। समझ रहे हैं अंतर? जब मैं खुद करूंगा तब मैं बोलूंगा कि बनाया था, कंस्ट्रक्टेड, आई कंस्ट्रक्टेड, मैंने ही उसमें श्रम किया, फिजिकल किया, लेकिन शाहजहां ने ऐसा किया नहीं था, उसने मैनेज किया था, फंड मैनेज किया था, लोगों को मैनेज किया था, है ना? तो यहाँ शब्दों का फेर देखिए, बनवाया, ये बनवाया का सेंस कैसे आएगा, ठीक है? तो इसके लिए लिखिए सिंटैक्स, आप इस टाइप में लिख लीजिए, करवाया, बनवाया, इस तरह का सेंटेंस होगा। इसका सिंटैक्स से ये स्टार्टिंग करता हूं मैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट, यहाँ जो जादुई शब्द आ रहा है गेट आएगा, जी गेट, गेट मतलब पाना होता है, गेट यहाँ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई3 प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है? अब देखिए ये फॉर्मूला आपको मैंने दे दिया, सिंटैक्स अब बनाइए। शाहजहां गोट बनवाया, पास्ट का है ना, तो पास्ट वाला में गोट, गेट है मूल वर्ब, यहाँ गोट आ जाएगा, ठीक है? शाहजहां गोट द ताजमहल कंस्ट्रक्टेड। अब देखिए सब्जेक्ट कौन हुआ? शाहजहां करने वाला है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या आ गया? क्योंकि यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में गोट आ गया, गेट गोट गोट सेकंड फॉर्म आया, और द ताजमहल कंस्ट्रक्टेड थर्ड फॉर्म, ताजमहल यहाँ ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म
कंस्ट्रक्शन मतलब बनाना, इसी का थर्ड रूप हो गया कंस्ट्रक्टेड। समझ रहे हैं मेरी बात? या मैं ज्यादा एडवांस हो गया? मैंने भोज खिलवाया, ठीक है, मैंने यह खाना बनवाया, एक तो हुआ कि खुद बनाया, जैसे मैं भोज दिया तो मैंने तो सारा रोटी पूरी और मिठाई तो बनाया नहीं ना, बनवाया, हलवाई ने बनाया, तो मैं बोलूंगा मैंने मिठाई बनवाया। आई हैव गुड कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, या आई गुड कंस्ट्रक्टेड द स्वीट्स बाई सो, जो भी हलवाई बनाया या कुक बनाया, जो भी बनाया, समझ रहे हैं? इसी तरह से तुमने यह कहां से लिखवाया? एक तो होता है खुद लिखा, हाथ से आपने अगर कॉपी पर लिखा तो लिखा राइट नोट रिटेन हो जाएगा, है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ लिखवाया, मीन्स कोई प्रोफेशनल पेंटर से या प्रिंटर से किसी और से लिखवाया, तब हम कहेंगे फ्रॉम वेयर हैव यू गॉट रिटेन दिस लेटर या दिस फोटो या दिस पोस्टर, जो भी कहना है कह सकते। तो यहाँ गेट शब्द का गेट लगने से हो गया बनवाना, जैसे हम ऑर्डर देते हैं किसी को, एक तो हुआ कि तुम करो इस काम को, डू इट, एक हुआ तुमको करना नहीं है, तुमको किसी और से करवाना है, स्टाफ को, जैसे जो बॉस है वो मैनेजर को बोलेगा गेट इट डन, आई वांट यू शुड डू इट, गेट इट डन, मतलब मैनेजर वो काम नहीं करेगा, मैनेजर के अंदर और स्टाफ होते हैं, वो स्टाफ करेंगे, इस काम को करवा लो, गेट इट डन, गेट इट क्लीन्ड हियर, मैंने किसी को बोला कि क्लीन इट, मतलब तुमको ही साफ करना, लेकिन जब मैं बोला गेट इट क्लीन, मीन्स उस व्यक्ति के अंदर कई स्टाफ हैं, क्लीनर हैं, उनसे साफ करवाना, ठीक है, गेट इट क्लीन्ड, आप समझ रहे हैं अंतर, यहाँ किसी और से करवाना है, करने वाला कोई और व्यक्ति है, तब हम गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं कई तरह का, ठीक है, तो आज पहला दिन है, मैं इस पर एक्सरसाइज भी दूंगा तो पता लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे पता लगता है पहला दिन ही नहीं, क्योंकि अभी मैं जो भी बताऊंगा सब आपके लिए नया ही होगा और पहला बार ही 100% समझ जाए ऐसा उम्मीद करना मेरे लिए बेहतर नहीं होगा, तो ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम दूसरे पर चलते हैं, अब क्या है, दूसरे को करवाया, ये भी कराया था, अब दूसरे तरफ से, इसमें पहले सब हेल्पिंग वर्ब ये लिख लीजिए, सिंटैक्स लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक या यूज काउज टू, मेक या काउज टू, वहां देखिए गेट लगा था एक मैजिक वर्ड, यहाँ लग रहा मेक या काउज टू, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सिंटैक्स जरूर लिख लीजिए, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो अपने आप आपको क्लियर होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक या काउज टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बोलिए निखिल। सर वही सिंटैक्स पूछना था, इसी का सिंटैक्स ही तो बोल रहा हूँ, मेक या काउज हो गया, हाँ ये हो गया ना, दूसरा वाला हो गया ना, यस सर, हाँ अब इसका उदाहरण बोलता हूँ, मोहन ने उसे रुलाया, ठीक है, वहां शाहजहां ने ताजमहल बनवाया किसी और से, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ मोहन रोया, ये तो आप खुद बना ही सकते हैं, है ना, मोहन वेप्ट, उसने रोया, मोहन इज वीपिंग, मोहन रो रहा है, ये हो गया, लेकिन यहाँ मैं बोल रहा हूँ मोहन ने उसे रुलाया, ठीक है, थोड़ा अजीब लग रहा होगा आप लोग को टेंस के बाद, इसीलिए मैं पहले टेंस बताता हूँ, टेंस का बेसिक क्लियर कर लेता हूँ, और ये टोटल यूनिक है, आपको बहुत ही रेयर ऐसे टीचर होंगे या किताब तो मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसा किताब हो जिसमें सब एलाबोरेट करें, जो भी लोग हैं जरूर नोट बनाइए, इससे ये जीवन को आपको चेंज करेगा, ये सब ऐसे हैं जो कि आपके मित्र भी नहीं जानेंगे, उनसे ही आप ऐसा वाला पूछ लीजिए, देखिए वो फंस जाए, मोहन ने उसे रुलाया, मोहन मेड हिम टू वीप, ठीक है, रुलाया पास्ट टेंस है ना, पहले ही रुलाया था, ठीक है,
तो मिट जो हमने किया वो मिड हो गया, ठीक है। मोहन मेड हिम, उसे के बदले हिम आया, टू वीप, ठीक है, मोहन ने उसे रुलाया। इसी को हम दूसरे तरह से भी बना सकते हैं कि मोहन ने उसे हंसाया, इतना अच्छा जोक्स क्रैक किया, मोहन ने उसे हंसाया। तो यह भी कर सकते हैं, मोहन काउज्ड हिम टू लाफ, ठीक है। यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, मेक और काउज की, दोनों अल्टरनेटिवली कहीं भी आप लगा, ठीक है। यहाँ हमने बताया मोहन काउज्ड हिम टू लाफ, ठीक है। अब कोई शिक्षक ने अपने बच्चों को सक्सेस कराया, उत्तीर्ण करवाया, या बिल्कुल ही टॉप करवा दिया, ठीक है। शिक्षक ने नहीं किया, या अकेला विद्यार्थी से भी संभव नहीं था, ये दोनों का कोलैबोरेटेड था। तो यहाँ भी हो जाएगा, द टीचर काउज्ड सोहन टू सक्सीड या टू गेट टॉप पोजिशन एग्जामिनेशन 10-12 जो भी कंपटीशन है, यूपीएससी डीजीएससी जो भी आप कर सकते, ठीक है। यहाँ मेड हिम होगा या काउज हिम, अब मेड मेक हिम भी हो सकता है, लेकिन हम अभी पास की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम उसे मेड कर दिए या काउज कर दिए। हाँ आयुषी कुमारी बोलिए। सर एक बार बार टीचर वाला सेंटेंस रिपीट कर दीजिए तो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, बताता हूँ। शिक्षक ने उसे पास करवाया, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। शिक्षक ने, या कोई व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं, कुछ भी सब्जेक्ट की जगह कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट के जगह, मैं सिंप्लीफाई करके बोल रहा हूँ। शिक्षक ने उसे पास करवाया, ठीक है, या तो पढ़ा के या उसके लायक नहीं था, उसे ग्रेस मार्क देके, जो कि जैसा भी आप ये समझ लीजिए। तो द टीचर मेड हिम टू पास, ठीक है, या द टीचर कॉज्ड भी आ सकता है ना, कॉज्ड काउज, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, मेक या काउज, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला बोलता हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इसमें आप क्या करेंगे ना, ये जो आप लिख रहे हैं इस पर आप खुद वाक्य बनाइए। मैं तो अभी वाक्य बनाऊंगा तो ज्यादा समय आपका बर्बाद होगा, है ना। आपको जब मैं फॉर्मूला दे देता हूँ, इस पर आप खुद काम कीजिए, मन में सोचिए कि और कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है और कौन सा क्रिया हो सकता है, ये सब को बदल बदल के आप पांच पांच दस दस सेंटेंस सीखिए, तब क्या हो जाएगा, ये सिंटेक्स आपके माइंड में आ जाएगा, है ना। आप आम जीवन में देखिए कहाँ कहाँ हम इस तरह के सेंटेंस यूज कर सकते हैं, जब हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं तब वो जो थ्योरी होता है वो हमारा अपना हो जाता, नहीं तो थ्योरी तो रट्टा मारते रहिए कभी। अब बोलिए, म्यूट है आपका, चलिए अगला, कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, ठीक। थर्ड टाइप का सेंटेंस लिखिए आज का, वाला वाले वाली टाइप, तीन तरह का सेंटेंस होगा, वाला वाले वाली टाइप। इसका लिखिए सिंटैक्स सबसे पहले, फिर मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करवा दूंगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस ईडी वन, ये पर्पस हो गया, पर्पस के लिए किसी खास मकसद के लिए। दूसरा हेल्पिंग वर्ब भी लिख दिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस ईडी वन, नियरनेस ऑफ टाइम। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा ये भी नोट कर लीजिए, इज, हैम, आर, वाज, वेयर, यही पांच वाला लीजिए, हैज, हैव हैड, शैल, कुड, ये सब कैन, ये सब यहाँ नहीं लगेंगे, ठीक है, ये जरूर लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए नोट। अब मैं आगे एग्जांपल बताता हूँ, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इज, हैम, आर और हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है? वेयर, वाज, वेयर, बस यही पांच हेल्पिंग वर्ब। देखिए कितना
खलल टाइप का, आपको खुद खुशी होगा कि आज का क्लास कितना इफेक्टिव रहा, कितना नया रहा। ठीक है, टेंथ का नाम तो आपने बहुत सुना था, आज का आप खुद बताइएगा कि ये पहले जानते थे क्या। मैं भाई के यहाँ एक पत्र लिखने वाला था। ठीक है, मैं भाई के यहाँ एक पत्र लिखने वाला था। अब देखिए इंग्लिश, आई वाज टू राइट ए लेटर टू ब्रदर। अभी तक हमने टेंस में सीखा था, आई एम राइटिंग ए लेटर, आई राइट ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर। ठीक है, अभी क्या पता लग रहा कि हम करने वाले थे, एक पर्पस पता लग रहा। ठीक है, लिखने वाले थे, मैं बताया ना कि तीन तरह के आएंगे, वाला, वाले, वाली, इसमें आए भी हो सकता है और खाते भी हो सकते। ठीक है, दोनों। तो इसमें अगर हाय में बनाना है तो आप ये बना सकते हैं, मैं भाई के यहाँ एक पत्र लिखने वाला हूँ। या आपके एरिया में कोई समस्या है, वहाँ के कंसर्न ऑथोरिटी जो बीबीएमपी है, या आपके अपार्टमेंट के कमिटी का सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, उसको आप एक चिट्ठी लिखने वाले हैं या कंप्लेन देने वाले हैं, है ना। आप बोल सकते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने वाला हूँ। अगर किसी को धमकी देना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू लॉज ए कंप्लेन अगेंस्ट यू। ठीक है, तो यहाँ देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे खिलाफ एक शिकायत दर्ज करने वाला हूँ। इसी तरह से हम और बना सकते हैं, जो हमने बोला कि नियर में एक तो वाला है, हम करने वाले हैं, कोई काम करने वाले हैं। और आई एम, जी भैया, आई एम गोइंग टू कंप्लेन, आई एम गोइंग टू लॉज ए कंप्लेन, इसे और बेहतर बना सकते हैं, आई एम गोइंग टू लॉज ए कंप्लेन अगेंस्ट यू। सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सेंटेंस। आज इंटरमीडिएट क्लास हो गए, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। टेंस हमने सीख लिया, टेंस को हमने बेसिक में रखा है, यानी कि हमने जो भवन का निर्माण हुआ उसमें कॉलम बन गए, बीम बन गए। ठीक है, अब हम दीवार बना रहे हैं, उसे प्लास्टर कर रहे हैं, इंटीरियर करेंगे ताकि लिवेबल हो जाए। टेंस करने से 60% 70% तक हम क्लियर जान जाते हैं, तो बेसिक अब हमारे सभी पार्टिसिपेंट का क्लियर हो। टाइप ऑफ सेंटेंस हम बना रहे हैं, जिसमें मेनली आज हमने बताया कि पांच तरह के सेंटेंस होते हैं, जिसमें मैं असर्टिव सेंटेंस को हम लेके चल रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, निगेटिव भी आप वाज नॉट, आई एम नॉट, आर नोट कर दीजिए। निगेटिव तत्काल में लेके नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि और बहुत ही लंबा क्लास हो जाएगा। आप नोट नोट सिर्फ उसमें जोड़ते चले जाइएगा, निगेटिव बनते जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ असर्टिव सेंटेंस को ले रहा हूँ। पहला सेंटेंस मैं आपके लिए आकाशी आपके लिए बता रहा हूँ, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डिलीवरी। शाहजहां गोट द ताजमहल रेस्पेक्टेड, ये हमारा पहला टाइप था, किसी और ने जब करवाया। ठीक है, और दूसरा टाइप हमने बताया था मेक और काउच टू, उसने पास करवाया या उसे हंसाया, उसे रुलाया। गीता ने रीता को हंसाया, सोहन ने मोहन को हंसाया, रुलाया। इसके लिए हम क्या करेंगे, मोहन मेड हिम टू लाफ, गीता मेड गीता टू वीप, गीता ने गीता को रुलाया, ऐसा बात किया या बात में किया या चाहता ही मारा जो भी किया तो रोने लगे, रुलाया। तो ये दो टाइप का, और तीसरा टाइप वाला वाले वाली टाइप। तो इसमें वाला वाले भी हमने दो सिंटैक्स वर्ड करवाया था, है ना। पहला में पर्पस, क्या काम कर रहा, दूसरा में हमने नियरनेस ऑफ टाइम बोला था, यानी कि हम कुछ ऐसा काम कर नहीं रहा बिल्कुल ही, अब आने ही आने वाला है। एक तो है वाला वाला है, हम तुमको पीछे वाले हैं, खाने वाले हैं, जाने वाले हैं, तो ये हो गया काम पर फोकस है। और एक तुरंत ही होने वाला, जैसे
अभी आप देख रहे हैं कि बादल आया है, टिमटिमा रहे हैं, कड़कड़ा रहे हैं, ऐसे आवाज आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं वर्षा आने वाली है। हमारे कई लोग हैं बुजुर्गों बोल देते हैं, आवाज देख के बाहर जाके उससे मॉइस्चर आ जाते हैं, सब अनुभव करके बोल देते हैं वर्षा आने वाली है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इट इज अबाउट टू रेन। ठीक है, अबाउट टू का यूज बेसिकली मैं बता रहा हूँ, अबाउट टू मतलब अब तुरंत आने वाली ही है। पता लगा आप घर के अंदर घुसे नहीं तब तक बारिश शुरू हो गई, ऐसी हाल होता है ना कई बार। तूफान, कल तूफान आने वाली है न्यूज में देता है, शीतलहरी पड़ने वाला है या लू पड़ने वाला है या तूफान आने वाला है, कई बार न्यूज में आप देखते हो। इसमें क्या होता है, इट इज अबाउट टू रेन। ठीक है, वर्षा आने वाली है, तूफान को खेल फिर से सर, फिर से क्या होगा, वर्षा आने वाली है, पहले सिंपल वाला लिख लीजिए, वर्षा आने वाली है, तो वर्षा आने वाली है, तो यहाँ कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऐसे चीज के लिए हम इट इंट्रोड्यूस करते हैं या देयर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसे हम बनाएंगे इट इज अबाउट टू रेन। अबाउट टू का मतलब हुआ कि अब तुरंत ही आने वाला, जैसे आप जहाज में आप बैठ गए, अब आपको बोला जाता है कि मोबाइल आप स्विच ऑफ कर लीजिए, है ना, अदरवाइज नेटवर्क रहता भी नहीं, तो आप घर में क्लास को जरूर करते हैं, क्या पता हम सेफली लैंड ना करें, तो एक अंतिम कॉल कर देते हैं या मैसेज कर देते हैं, है ना, टू कॉल एक अंतिम बात कर लेते हैं ना, एक अपने जब विदेश की यात्रा करते हैं तो जरूर हम बात कर लेते हैं, है ना। माय फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ, मतलब हाफ मिनट वन मिनट के अंदर आप सब छोड़ देगा, टेक ऑफ कर जाएगा, तो आपका मोबाइल चलेगा भी नहीं और वो भी बंद करने बोल रहा है, जो मेल स्टीवर्ड है और ये सब जो है स्टाफ वगैरह होते हैं, बंद करवा देता है मोबाइल, है ना, कि आप बात मत करो, तो जल्दी जल्दी हम बात कर देते हैं। अबाउट टू टेक ऑफ, माई फ्लाइट इज अबाउट टू टेक ऑफ। फिर जैसे पता लगता है अब आप पहुंच गए हैं बेंगलोर, यहाँ टर्मिनल टू में दिखने लग गया, तो मोबाइल पॉकेट से निकालते हैं तो पता लगा कि नेटवर्क आ गया है ना, तो अगेन कॉल कर देते हैं, माय फ्लाइट इज अबाउट टू लैंड। अब धरती टच करने वाली ही है, मतलब मिनट के अंदर, मिनट क्या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के अंदर हम टच कर रहे हैं, बोलते बोलते ही पता लगा आवाज हो गया, जय श्री राम, बच गया, है ना, ऐसे बोलते हैं। अबाउट टू लैंड, अबाउट टू का मीनिंग मतलब सेंस समझ रहे हैं, बिल्कुल ही होने वाली है ना, तब हम अबाउट टू करते हैं, यहाँ वाला वाली आई है ना, लैंडिंग होने वाली है, धरती को टच करने वाली है या टेक ऑफ उड़ने वाली है, वाली है आया, यहाँ वाली वाला आ गया, लेकिन यहाँ समय के सेंस में आया, अब तुरंत ही होने वाला, कोई गैप नहीं बच गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको तूफान वाला जो बोला, कल तूफान आने वाली, कल को हम पहले भी कर सकते हैं, टुमारो जब हम लिखते हैं तो टुमारो करके कॉमा दे देंगे, टेम्पेस्ट, तूफान का गेल भी बोलते हैं, टेम्पेस्ट भी बोलते हैं, तूफान का शब्द आता है इंग्लिश में, द टेम्पेस्ट इज अबाउट टू कम। ठीक है, मौसम की वार्निंग होती है कई बार, टेम्पेस्ट बोलते हैं तूफान को, भी बोल लिख सकते हैं या पहले भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिखते हैं, खाली पहले अगर लिखते हैं तो कॉमा देना पड़ेगा, लास्ट में देते हैं तो टू कम टुमारो, कॉमा देने की जरूरत है, इस तरह से लास्ट में लिखना या लास्ट में बोलना ज्यादा बेहतर है। अभी आप पर डिपेंड करता है कि किसे आप जरूर दे रहे हैं, अगर कल शब्द को ही पहले रखना चाहते हैं, किसी को ज्यादा महत्व देना चाहते हैं तो टुमारो पहले रख लीजिए, टुमारो द टेम्पेस्ट इज अबाउट टू कम, कल तूफान आने वाली है, ऐसा न्यूज में कई बार आप देखेंगे। ठीक है, तीन टाइप का, चौथा टाइप का बताता हूँ, चौथा टाइप क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं हमारे पास मजबूरियां होती है, हमें करना ही करना होता है, इसे बोलते हैं कंपल्सन, लिख लीजिए कंपल्सन टाइप है, मजबूरी, जीवन में कई बार मजबूरी हो जाती है, जैसे मुझे अभी ड्यूटी जाना था, मेरे लिए भी ड्यूटी करना एक मजबूरी है, क्योंकि आजीविका कैसे चलेगा ड्यूटी नहीं करूंगा तो, है ना, तो ये भी एक कंपल्सन,
क्या बोला सर? एक बार स्पेलिंग बता दीजिए। बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। कंपल्सन का स्पेलिंग पूछ रही है ना बेटा? हाँ बोल रहा हूँ। सी ओ एम बी यू एल एस आई ओ एन कंपल्सन। कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, आपको काम करना ही है। बोलते हैं ना ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, मैंडेटरी है, है ना? कुछ क्वेश्चन होते कंपल्सरी, आपको करना ही करना, वहाँ आपको ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो यहाँ हम लिखेंगे चौथा में कंपल्सन टाइप मजबूरी। अब इसका सिंटैक्स भी पहले ही लिखा देता हूँ, ठीक है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वन। हेल्पिंग वर्ब के पास क्या बोले हैं सर? टू 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 टी ओ गो टू टू टी ओ टू पी वी वन ये कंपल्सन वाला। अब इसको उदाहरण में देता हूँ, इसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मुझे यहाँ परेड करना पड़ता है। आई हैव टू डू परेड हियर। फिर पैरेड का कोई यूज नहीं है, ठीक है? अगर आप है वहां ड्यूटी पर तो आपको परेड करना ही पड़ेगा, परेड के लिए जाना पड़ेगा। या तो आप बीमार पड़ जाइए, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए, तभी आपको परेड से एक्सक्यूज मिलेगा, ठीक है? यहाँ देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, वहां भी मैंने लिखाया था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब जरूर लिख लीजिए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज हैव हैड शैल हैव विल हैव होंगे, ठीक है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हैज हैव ये जो हमने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट वाला जो वहाँ हेल्पिंग वर्ब आ रहे थे वही यहाँ लगे। अब फिर से लिखिए हैज हैव। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं यहाँ होगी कि हैज कहाँ और हैव कहाँ, ठीक है? थर्ड पर्सन सिंगुलर इज या कोई नाम वहाँ हैज लगेगा, बाकी सबके साथ हैव लगेगा। पास्ट का कुछ भी रहेगा, पास्ट का कुछ भी वहाँ एक ही चलता है हैड रहेगा। और फ्यूचर का शैल है या विल है। शैल का कहा तो आई के साथ शैल है, बाकी के साथ विल है। लेकिन अगर यही उल्टा कंपल्सरी वाला हो जाएगा, जरूरी वाला हो जाएगा, तो आई के साथ विल, बाकी सबके साथ शैल। ये सब हमने टेंस में कवर कर लिया। तो यही यहाँ पांच हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, ठीक है? अब मैं और बताता हूँ। आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे स्कूल जाना पड़ता है। फॉर माय फिटनेस आई हैव टू स्पेंड वन आवर पर डे। मतलब अपने तंदुरुस्ती फिर से सर, ये तो मैं बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा समझ नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा नेचुरल ऐसे निकलता है। इसको हिंदी समझाता हूँ। अगर मुझे तंदुरुस्त रहना है तो मुझे प्रतिदिन एक घंटा अपने ऊपर लगाना पड़ता है। ये अर्थ बता रहा हूँ, यहाँ कंपल्सन दिखा रहा हूँ। इतना बड़ा सेंटेंस आपको एक्चुअल बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लिख लीजिए सिंपल करके, आई हैव टू प्रैक्टिस योगा। हिंदी में योग बोलते हैं, इंग्लिश में योगा ए लग जाता है। जैसे इंग्लिश हिंदी में बोले तो नरेंद्र और इंग्लिश में तो नरेंद्रा, इसी तरह से योगा हो जाता है। अगर हिंदी में बात करते हैं तो हम यह ध्यान रखें योग बोले, और इंग्लिश में जब बात करते हैं तब योगा। तो आई हैव टू प्रैक्टिस योगा एवरी डे, इसलिए फॉर माय फिटनेस अपने तंदुरुस्ती के लिए मुझे प्रतिदिन योग का अभ्यास करना पड़ता है। सर हाँ बोलिए। सब के नाम के आगे ए लगता है, जैसे मेरा नाम है तो उसको भी इंग्लिश में ए लगाना पड़ेगा क्या? ऐसा कोई जरूरी है, देखिए नाम में क्या है तो आपका विकल्प है, आपके पेरेंट्स ने आपके क्या उचित समझा। जी जी अपने नाम के आगे नहीं लगता है। ये तो आप कैसे उच्चारण करना चाहते हैं। साउथ में क्या करता है, जैसे मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, लेकिन अगर मैं साउथ में पैदा होता और मेरे पेरेंट्स की इच्छा होती कि नरेंद्र कुमार ही रखते, तो नरेंद्र और कुमार के बीच जो स्पेस देख रहे हैं ये स्पेस नहीं होता।
उसके हिसाब से रखते जैसे बेशक मेरा नाम नरेंद्र इंग्लिश में नरेंद्र आ ही है साउथ वाले मुझे नरेंद्रा बोलते हैं लेकिन यही नॉर्थ में नरेंद्र बोलते हैं है ना अगर सर साउथ में मेरे नाम को क्या बोलेंगे आकाशा बोलेगा ऐसा बोलेगा क्योंकि यहाँ आ की मात्रा साउथ में अपने आप लगा देता है कुमार जैसा है ना तो कुमारा बोलेगा ये एक्सेंट की बात है एक्सेंट की बात है ये अलग अलग जगह है एरिया लोकेलिटी पर डिपेंड करता है बिहार में देखिए भोजपुरी मैथिल और अंगिका ऐसे कई भाषा चलते हैं तो ये एक्सेंट की बात है जो शुद्ध है तो शुद्ध है सर बिहार में वहां लगा देता है नाम के लास्ट में बिल्कुल जैसे आपका नाम आकाशा नहीं होगा कस्बा हो जाएगा है ना तो इस तरह से चलता है लेकिन हमें अगर हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश का एक्सेंट जो करेक्ट होता है वो सीखना चाहिए हिंदी का जो होता है वो सीखना चाहिए और लोकल तो आप कुछ भी बोल लीजिए नाम चलेगा प्यार से आपको कोई कुछ भी बोल दे तो क्या है प्यार से कुछ भी बोल दो है ना नरेन ही मुझे कई लोग प्यार से नरेन ही बोलते हैं कुछ भी किसी को भी बोल सकता है तो ये कंपल्सरी कंपल्सन टाइप हो गए जहाँ की हम Have to, has to, shall have, will have लगा दिया ठीक है जैसे टू लग गया अदरवाइज क्या होता है shall have, will have के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं ठीक है मैं आपको बताया था कि shall have, will have जब भी लगेगा तो थर्ड फॉर्म लेकिन यहाँ टू आया है बीच में यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है और प्रिंसिपल वर्ब है दोनों के बीच में टू आ रहा है अब चूंकि टू आ गया इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा यह चीज जरूर ध्यान रखिए ठीक है आई हैव टू राइट ए लेटर आई हैव टू रीड मैगजीन न्यूज पेपर एवरी डे है ना कुछ भी चीज आपको करना ही पड़ता है आई हैव टू गो टू ड्यूटी इन टाइम 9:45 जो भी टाइम है आपको जाना पड़ता है सर इन टाइम होता है कि ऑन टाइम होता है ऑन टाइम बोल सकते हैं इन टाइम दोनों कोई दिक्कत इन टाइम ज्यादा बेहतर होता है ये क्या होता है आप जिस सेंस में बोल रहे हैं अगर अनुशासन के सेंस में बोल रहे हैं डिसिप्लिन के सेंस में तो इन टाइम होता है ठीक है और किसी भी खास समय में पहुंचना तो आप ऑन टाइम बोल सकते हैं कंपल्सरी वाला क्लियर हो गया कंपल्सन टाइप अब कोई डाउट नहीं इसमें कितना भी वाक्य आप बना सकते जो भी आपको काम करना ही पड़ता है आई हैव टू फिनिश माय होमवर्क बिफोर माय वैकेशन एंड्स तो बहुत लंबा शब्द वाक्य हो गया शायद आप लोग समझ जाएंगे मेरी छुट्टी जो हुई है समर वैकेशन विंटर वैकेशन जो भी है ना ये समाप्त होने से पहले मुझे जो ग्रीक कार्य मिले हैं उसे करना पड़ेगा ठीक है यूजुअली क्या होगा इस तरह का जो मजबूरी वाला शब्द रहेगा पढ़ता है पढ़ा था या आई हैड टू स्लिप आई हैड टू स्लिप एट 10 o'clock बिकॉज आई हैड टू वेक अप एट 4 o'clock है ना मुझे 10 बजे सोना पड़ता था जैसे मैं अपने बचपन की अगर बात करूं तो उस समय की आई हैड टू वेकअप एट 4 o'clock मेरी माँ कार्तिक नहाने जाती थी वहां सीन होता था बिहार में एक महीना कार्तिक नहाने का तो उस कार्तिक में जब नहाने जाते थे महिलाएं 4 बजे उठ के तो पूरा घर को 7 जन तक शायद कुछ ऐसा हो जाता था उपकार हो जाता था कुछ जो एग्जैक्ट वर्डिंग मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन एक स्कीम था बिहार में अभी है कि नहीं मुझे है सर और सर छठ के भुड़िया घाटे के दिन भी तो सुबह में उठना पड़ता है और नहाना पड़ता है अच्छा अभी भी यार उस टाइम पे तो और जल्दी उठना पड़ता है कम से कम 3 ही बजे उठा देते हैं सब लोग उठो 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 तैयार होना है तो हमारे बचपन में भी ऐसे स्कीम था हम लोग जाड़ा के काफी का महीना जाड़ा नहीं आता हम लोग रजाई से सोते रहते थे और मेरी माँ जगा देती थी जगा के और चली जाती थी ठीक है और हम लोग इतने बुद्धिमान थे कि जैसे गई और फिर वापस रजाई तो रहता ही था गर्म है ना और माँ आती थी करीब 6:30 बजे 7 बजे बेलपत्तर और क्या क्या चाहता है तो इस तरह से अगर मैं बोलूं तो आई हैड टू वेकअप
मतलब वो निकलते निकलते सबको जगा के जाती थी, जाड़ा हो जाड़ा नहीं होता था सबको। आई हैड टू वेक अप एट 4 o'clock, मुझे जगना पड़ता था सुबह 4 बजे। ये हमारी मजबूरी थी, नहीं तो मम्मी का तो क्या चलता है आपको मालूम ही है, पैर के तो ये होते हैं यहाँ तो एकदम रेडी टू, आजकल तो नहीं होते हैं हमारे जीवन के पीछे वही सब जो टूल थे ना जो की यहाँ 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 सब जगह इस्तेमाल हुए, उसी का असर है कि मैं आज आपके लिए क्लास लेकर, अगर वो सब टूल इस्तेमाल नहीं होते तो शायद कुछ और में रहता, ये सब श्रेय जाता है माँ के उन्हीं टूल्स को। तो ये हो गया कंपल्सरी टाइप, कंपल्सन टाइप, ठीक है, मजबूरी जहाँ है एक्सेप्ट करेंगे, इस तरह से कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। लास्ट ज्यादा नहीं बताना चाहता, मैं पांच कवर करूंगा। पांचवा है रखना टाइप, लिख लीजिए रखना टाइप, ठीक है। आई हैव ये मारुति सियाज कार, मेरे पास एक मारुति कार है। आई हैव ए पेन, आई हैव ए स्कूटर, आई हैव ए बिल्डिंग, आई हैव ए फोन। हम अभी तक क्या किए, हैव को सिर्फ हेल्पिंग भाग के रूप में देखे, ठीक है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ हैव अपने आप में एक मेन भर्ब भी है, ठीक है। हैड हैव हैड, इसका तीन रूप है। हैव का मतलब होता है रखना, ठीक है। तो हैव का यहाँ रखना सेंस हुआ। आई हैव ए रिमोट, इस तरह से आप बोल सकते। आई हैव ए पेन, कुछ भी बोल बड़ा ही सिंपल टाइप है, तो इसमें कोई कंप्लीकेशन नहीं है। इसके बाद हैव के बाद कोई भर्व नहीं आ रहा, प्रिंसिपल भर्व नहीं आ रहा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ रहा, इसको हम बोल सकते हैं कि आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, या मैं एक कार रखता हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, या मैं एक कार का मालिक हूँ। पांच तरह के वाक्य, ऐसे बहुत वाक्य हैं, लेकिन सारा बोलूंगा तो आपको शायद ना हो पाए, इसलिए स्लो मैं लेके जा रहा हूँ। ये पांचों टाइप मैं फिर से जल्दी क्विक रिवीजन कर देता हूँ और आप लोगों के लिए गृह कार्य दे देता हूँ। कम से कम पांच पांच वाक्य आप जरूर बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभ्यास करेंगे। अभी जैसे मैंने बोल दिया कथावाचक तो मैं हूँ ही, अदरवाइज तो कथावाचक की भूमिका में मैंने प्रवचन दे दिया, और आप लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो जैसे बाबा जी क्या होता ना, जब कथा हम सुनते हैं बड़ा अच्छा नींद आता है ना, जब भी आप कथा सुनिए ना इतना मस्त नींद आता है। तो मैंने इस पर रिसर्च किया कि अदरवाइज पढ़ने के टाइम तो इतना टेंशन हो जाता है, बाबा जी जब कथा देते हैं तो इतना अच्छा नींद क्यों आता है, क्योंकि वहाँ कोई टेंशन नहीं है, बाबा थोड़ी पूछने जा रहे हैं, कोई परीक्षा में थोड़े ही आ रहा, मस्त होके सो। तो प्रवचन इसे नहीं समझिए, बिल्कुल एक्टिव मैंने प्रयास किया कि आप लोग को रोमांचक तरीके से, रोचक तरीके से बताऊं, हंसी मजाक में बताऊं, ताकि आप लोग बिल्कुल सो ना पाए। और मैं तो खैर ऐसा प्राणी हूँ, सोने तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा किसी को, ठीक है। तो ये पांचों टाइप मैं फिर से एक बार रिविजन दे देता हूँ आपको। पहला हमने बताया बनवाया कराया, है ना, जैसे ताजमहल लिख लीजिए, शाहजहां ने ग्रैंड टैंक रोड बनवाया, है ना, इस तरह से आप ये सब कर सकते हैं। उसी तरह से हमने बोला रुलाया हंसाया, ये भी इसमें मेक और काउच करके हम लगाते हैं। तीसरा हमने बताया वाला वाले वाली टाइप में, जिसमें टू लगाया और अबाउट टू लगाया। चौथा टाइप हमने कंपल्शन वाला बताया, मजबूरी वाला बताया, और पांचवा रखना टाइप है। सर रखना टाइप का एक सेंटेंस बताऊं? आई हाँ बोलिए बोलिए। आई हैव अ ब्यूटीफुल पाउच, दिखा भी दीजिए, तो अपने पाउच को दिखा भी दीजिए, मेरी इच्छा बहुत हो रही है। रियली नाइस, बिल्कुल आपके पाउच को देख के मेरा मन कर रहा कि मैं ले लेता तो अच्छा होता। अरे ले लीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए, पार्सल कर दे सर, कोरियर कर देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। और किसी को कोई क्वेश्चन है?
आयुषी कुमारी, कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट सर? सर एक बार फिर से बता दिए, पहले में बताया कि शाहजहां गॉट द ताजमहल, तो वो किस टाइप में आ जाएगा? राह राह पहला टाइप क्या है? पहला टाइप जो गेट लगाते हैं, गेट टाइप जीटी, इसका जो हेल्पिंग वर्ब, इसका जो सिंटैक्स आप नहीं लिखोगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पीवी3, ठीक है? गेट आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पहला यूज ऑफ गेट, ठीक है? गेट का गोट भी होता है, दूसरा मेक और काउंट्स टू, वाला वाले का टू, अबाउट टू, और कंपलसरी का हैज हैड, हैज हैव हैड, फैल है, गिल है, वो जाएगा, और रखना चाहिए। किसी को कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है सर, मैं आपकी आज कुछ नहीं बोला, चलिए आप भी दो लाइन बोल लीजिए, आपने क्या सीखा, जस्ट एक लाइन में बोलिए आज का। टाइप ऑफ सेंटेंस पार्ट सेट की, उसमें असर्टिव अफर्मेटिव में, ये शाहजहां ने किसने बनवाया या किसी द्वारा काम किया गया। चलिए ठीक है मैं समझ गया। अब पांच पांच सेंटेंस आप लोग बना लीजिएगा, ये पांचों से, ठीक है? ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, पांच पांच ही आप लोग अगर समझ गए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जो अपने सहपाठी उनसे आप भिन्न हो जाएंगे, ठीक है? आज ही आपको महसूस हो रहा होगा ये सब वाक्य शायद आपने सुना होगा, लेकिन इसका कैसे इस्तेमाल होता है ये सब नहीं पता होगा, है ना? आज पता लग गया, इस पर अभ्यास जरूर कीजिए, पांच पांच वाक्य बनाइए, फिर मैं मिलता हूँ अगले क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, टाइम निकालने के लिए आपका। मैम आप तो बोली थी सर चले गए, आप बोली नहीं, साढ़े सात।